गवर्नमेंट जॉब्स किसको पसंद नहीं है, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे बेस्ट ब्रांच फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स दो तरह के होते हैं इन जनरल, एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और एक होगा आपका स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। अगर सैलरी की बात करोगे, सबसे ज़्यादा सैलरी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के, बिकॉज उनके पे स्केल ज़्यादा होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के पे स्केल कम होते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का मान लो सैलरी है 50,000, तो स्टेट गवर्नमेंट का देखते हैं 30,000 सेम पोस्ट के लिए, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से क्या होता है, बंदे के अंदर टैलेंट तो होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग नहीं पाता है, उसको पता नहीं होता है कौन कौन से जॉब्स हैं, भागना मतलब क्या, उसके पीछे पड़ जाना। तो इस वीडियो में मेरा जो मेन एम है आपको बताना कि कौन से ब्रांच आपको बीटेक में लेना चाहिए, जो ब्रांच के बेस पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स को ले सकते हो, पहला। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है, उनके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, माइनस मार्किंग होता है नहीं होता है, इंटरव्यू होता है नहीं होता है, ये सब डिटेल में आपको बताऊँगा, जो आपको किसी वीडियो में, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी न्यूज़ जगह पर इतने अच्छे से नहीं मिलेगा। दैट इज द गारंटी आई एम गिविंग यू फ्रॉम माई साइड। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करना, और उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो चलिए उस इंफॉर्मेशन को पहले जानते हैं, फिर वीडियो में आगे हम इन डेप्थ इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो गाइस, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, वो है कॉलेज विद्या। इनका हैशटैग क्या है, चुनो वही जो है सही, और इस वीडियो को बना रहा हूं मैं इन्हीं के कोलैबोरेशन से। नीचे मैंने इसका लिंक दिया है, अगर आप कॉलेज के बारे में सर्च कर रहे हैं यूजी कोर्सेज के बारे में, बीटेक के बारे में, तो नीचे लिंक पर क्लिक जैसे करेंगे आप ऐसे एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। नीचे यहां पर क्लिक करिए, यूजी कोर्सेज पर क्लिक करेंगे आप और अपना डिटेल को फिल करिए, फिर सबमिट जैसे करेंगे आप, इनका एआई मॉडल आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन देगी। आप डायरेक्टली कॉलेज वालों से बात कर सकते हो या यूनिवर्सिटी वालों से बात कर सकते हैं, या फिर इनके जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट काउंसलर हैं, उनसे बात कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑडियो वीडियो काउंसलिंग बेसिकली, वो आपको हेल्प करेंगे ड्यूरिंग एडमिशन टिल प्लेसमेंट। दैट्स नॉट ऑल, आप कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर पाएंगे बहुत सारे 30+ पैरामीटर्स के बेसिस पर, जस्ट लाइक प्लेसमेंट हो गया आपका, आपके स्टूडेंट रेटिंग हो गया, फीस हो गया, उसके बेस पर। और इससे भी बेहतरीन चीज़ क्या है, इस प्लेटफॉर्म पर खाली ऑथेंटिक कॉलेजेस का और अप्रूव्ड या फिर ऑथेंटिक बोल सकते हो कॉलेजेस का एंड यूनिवर्सिटीज़ का लिस्टिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो दो बहुत बड़े इम्पोर्टेंट बात है, पहला क्या है आपका, ये आपको EMI ऑप्शन देते हैं, चाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी दे रही है नहीं दे रही है। और सेकेंड इम्पोर्टेंट बात क्या है, इनका एक प्रोग्राम है, हालांकि दो प्रोग्राम है, एक है आपका प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस और दूसरा है ऑनलाइन कैरियर बूस्टर प्रोग्राम। इसका प्राइस कितना है, 6,999 रुपीज, 7,000 से 1 रुपया कम, बट आपको फ्री मिल सकता है अगर इनके जो नीचे मैंने लिंक दिया उसके थ्रू से अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, कॉलेज सर्च करना स्टार्ट करिए, नीचे लिंक है उस पर क्लिक करिए। चलिए चलते हैं आप हमारे वीडियो में, पूरा समझते हैं वीडियो के बारे में, टॉपिक के बारे में, लेट्स गो फॉर इट। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो टॉप ब्रांचेस कौन से हैं उसके लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, जॉब्स जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स होता है उसको मैं दो कैटेगरी में बांट देता हूँ। एक होता है टेक्निकल जॉब्स, मतलब क्या है, जिसमें बीटेक वाले या फिर एक पर्टिकुलर ब्रांच बीटेक का एलिजिबल है। और एक कौन होता है भाई साहब, नॉन टेक, मतलब क्या है, कोई भी ग्रेजुएट इस ब्रांच मतलब इस तरह का जॉब्स को ले सकता है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल जॉब्स के लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनमें से एक सबसे बेहतरीन सैलरी देने वाला जो जॉब है, मतलब जो कंपनीज हैं उनमें, उनको हम बोलते हैं PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें कुछ ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं जिन ब्रांचेस का सैलरी होता है 24 लाख तक का सैलरी होता है आपका,
24 LPA एज ए फ्रेशर पैकेज होता है, अप टू है, लेकिन ये 24 लाख एक कंपनी देती है, 20-22 लाख दो तीन कंपनी देती है, और एवरेज में 18 लाख के 15 लाख के आसपास आपका पैकेज होता है। मिनिमम पैकेज 10-12 लाख का होता है PSUs का इन जनरल, जो अब तक हमने देखा है 15-20 PSUs जो हायर करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कहानी आपको समझ में आया? ओके जी। सो आपको अगर नॉन टेक का प्रिपरेशन करना है मेरे दोस्त, तो आप कोई सही ब्रांच ले सकते हो, आप एनी ब्रांच यू कैन टेक फॉर गेटिंग नॉन टेक जॉब्स। नॉन टेक जॉब्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। उनमें से सबसे पहले हम जो जॉब बात करेंगे, जिस जॉब को मेरे काफ़ी स्टूडेंट अभी कर रहे हैं, मतलब उस एग्ज़ाम के जरिए SSC CGL, इस एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम है हर साल निकलता है, एवरी ईयर निकलता है, और बहुत UPSC की बात कर रहे हैं, बट उसके बारे में बात करेंगे बाद में, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये जो एग्ज़ाम है बहुत सारे बच्चे निकाल सकते हैं, एवरेज बच्चे, जैसे मैं एक बिलो एवरेज बच्चा हूँ, मैं अगर प्रिपरेशन करूँ, मेरे ऐसे बच्चे प्रिपरेशन करेंगे, तो उनके पास चांस होता है ऐसे एग्ज़ाम को निकालने के लिए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करना, बट पढ़ाई करना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा तभी एग्ज़ाम क्रैक होगा। और आता है आपका UPSC CSE आता है, फिर आता है बैंक के जॉब्स आता है, फिर नॉन टेक्निकल डिफेंस जॉब्स आते हैं, फिर नॉन टेक्निकल आपका स्टेट PSC आता है, फिर नॉन टेक्निकल में आपका आता है RRB आता है, RRB NTPC आता है, फिर आता है RBI आता है, फिर आता है आपका AI आता है, ये PSUs में आ गया। तो इतने सारे आपके जॉब्स आते हैं बेसिकली, SSC CGL के अलावा भी नॉन टेक में जॉब्स है, बट वो ग्रेजुएशन बेस नहीं है इसलिए बताया नहीं, लेकिन आपको मुँह जबानी बता देता हूँ। एक होता है SSC CHSL और एक होता है आपका SSC MTS, ये प्लस टू और टेंथ बेस पर होता है, ठीक है जी। ओके, तो ये जॉब्स हैं बेसिकली। अच्छा, क्वेश्चन आता है, सर मैं BTEC कर रहा हूँ तो इन जॉब्स को करने क्यों जाऊँगा? देखो यार, अभी BTEC आप करने जाएंगे तो अभी आपका जो टेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है, हर घड़ी बदलने वाला है, ऐसा इन जनरल होता है। बहुत कम बच्चों का जो टेस्ट है और इंटरेस्ट है बदलता नहीं है, मैक्सिमम बच्चों का बदलता है, इसलिए मैं डेटा आपको दे रहा हूँ। बिकॉज 12 साल पहले BTEC किया यार, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को पता है क्या चलता है मार्केट में, इतना तो मैंने ऑब्जर्व किया है। 12 साल पहले सोचो आप कितने छोटे थे, समझ रहे हो। अच्छा, टेक्निकल में बहुत सारे जॉब्स हैं, उसकी पहले बात करते हैं फिर ब्रांच की बात करेंगे। टेक्निकल में मेनली जॉब्स क्या है आपको मिलता है, एक PSUs में मिलता है, जिसमें हर साल लगभग 2000 बच्चों का एवरेज में जॉब लगता है अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस, हर साल लगभग 2000, और प्लेसमेंट पैकेज अच्छा है। आप बोलोगे सर गवर्नमेंट जॉब्स में और PSU में डिफरेंस क्या है? पहले बात, PSU में आपको पेंशन नहीं मिलता है, PSUs 100% गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब जैसा है, मतलब लगभग परमानेंट जॉब समझ सकते हो, लगभग क्यों, बिकॉज 100% नहीं है, सरकार चाहे उसको डिस्ट, मतलब उसको बेच सकती है, जस्ट लाइक एयर इंडिया के साथ हुआ, बट ऐसे बहुत कम के साथ होता है, 1% भी चांस नहीं होता है, बिकॉज बहुत सारे PSU सब तो नहीं बिके भाई, एक ही को बेच दिया बिकॉज चल नहीं रहा था, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो एक ऑप्शन जो है मैं आपको बता रहा हूँ जो फैक्ट है। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर परमानेंट जॉब्स की बात करेंगे, जो प्योरली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला आता है RRB का, RRB में आता है टेक्नीशियन का पोस्ट होता है, जिसके लिए आप थोड़ा पार्शियली एलिजिबल होते हैं। ALP के लिए बहुत से लोग एलिजिबल हैं, JEE के लिए बहुत से लोग एलिजिबल हैं। एक आता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, ये पता नहीं कितने साल पहले निकला था, अभी निकला नहीं, बहुत साल, बहुत टाइम हो गया, तो उनके लिए भी भाई इंजीनियरिंग बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन ये हर साल निकलता नहीं है। हर साल कौन कौन से निकलते हैं? SSC JEE निकलता है और UPSC ESC निकलता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये निकलता है आपका हर साल। ये दो एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों का सैलरी बताता हूँ। SSC JEE के बाद सैलरी आपका लगता है लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच में लगता है सैलरी, वेरी करता है पोस्ट क्या मिला आपको, कहाँ आपका पोस्टिंग है, उसके बेसिस पर वेरी करता है।
यूपीएससी एससी का सैलरी कितना मिलता है, 80,000 के आसपास सैलरी मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे टीचिंग जॉब्स निकलते हैं टेक्निकल सेक्टर में, बट वो डिपेंड करता है भाई साहब कि कौन से पोस्ट के निकला, कौन से जगह पर आपका लगेगा जॉब, उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल जो बीटेक सीएससी से करता है वो सरकारी स्कूल गए पढ़ाने के लिए एलिजिबल होता है, एग्जाम क्रैक करता है, जॉब लगता है और पैकेज उसको लग जाता है। कहानी समझ में आ रहा है आपको? आई होप सो। ओके, ये आपका था नंबर ऑफ जॉब्स। अब आते हैं जी ब्रांच की। भाई साहब ब्रांच बताओ, कहानी तो आपने बहुत बता दिया हमें, ब्रांच बताया नहीं। ये बताना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये फंडामेंटल है। ये अगर पता नहीं होगा तो आपको पता नहीं लगेगा भाई एक्चुअली जॉब का क्या स्ट्रक्चर है, ये पता नहीं लगेगा आपको, एंड जिसके वजह से प्रॉब्लम आता है। और इसमें क्या आता है, और एक चीज़ आपको बताया नहीं, स्टेट जेई के भी आते हैं, स्टेट जेई एंड एई, मतलब हर स्टेट का एई और जेई का पोस्ट निकलता है। अब अगर मेरे को पूछे, मतलब मैं ऐसे आपको बताऊंगा कौन सा जॉब बेस्ट, कौन सा ब्रांच बेस्ट है, मैं ऐसे आपको बताऊं कि मेरे पास जो नॉलेज है अभी का और मुझे एडमिशन लेना है बीटेक में, तो मैं कौन सा ब्रांच चूज़ करता? अगर मेरे को रुझान होता सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की ओर, तो मैं कौन सा ब्रांच चूज़ करता, उसके बारे में बात करूँगा मैं, ठीक है जी। अच्छा, तो पहला मेरा फर्स्ट चॉइस होता डबली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्यों आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जरिए मैं प्राइवेट में भी जॉब पा सकता हूँ। प्राइवेट में सबसे हॉट सेक्टर क्या है, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी सारे पार्ट्स इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। पहला, जितने भी होम अप्लायंसेस आते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल चीज़ें लगते हैं। दूसरा, तीसरा, जितने भी कंपनीज हैं सब जगह पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नीड है एज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, तो इसके नीड खराब तो कभी नहीं होंगे। बिना इलेक्ट्रिसिटी कुछ होगा नहीं, एनर्जी का जो हिसाब किताब इलेक्ट्रिसिटी में होता है, कंपनीज बहुत है। और एक खास बात आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एसएससी जेई में अच्छा खासा क्या रहता है आपका, वैकेंसी रहता है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी एसएससी जेई में किसका रहता है, सिविल का रहता है। पर सिविल फिर भी मैं क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, रीज़न इसके पीछे है, प्राइवेट जॉब से मुझे कुछ खास मिलने वाला नहीं है। आप अगर सुपर टैलेंटेड हैं, आपको लगता है मैं भाई जॉब्स निकाल के रहूँगा, तो भाई सिविल ब्रांच आप पहला प्रेफरेंस ले सकते हैं। बट प्राइवेट जॉब में इसका प्रॉब्लम है भैया। सरकारी में क्या है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है एसएससी जेई में। अगर 1000 वैकेंसी है, 700 वैकेंसी भाई सिविल का मिलेगा आपको, 200 के आसपास मिलेगा इलेक्ट्रिकल का और एक रहेगा मैकेनिकल का, 100 के आसपास या फिर उससे कम। आपके दिमाग में अब क्वेश्चन चलेगा, सर बाकी ब्रांच के नहीं रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं भाई, सिर्फ तीन ही ब्रांचेस एलिजिबल हैं। एक ऑटोमोबाइल वाला एलिजिबल, लेकिन उसे बहुत कम सीट है इसलिए बोला नहीं। मेजरली तीन ही ब्रांच, चार ब्रांचेस एलिजिबल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल को इसलिए कंसिडर नहीं किया बिकॉज वैकेंसी बहुत कम होते हैं, गिने चुने होते हैं, इसलिए मना कर दिया। तीन ही ब्रांचेस एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। मेजर सीट्स सिविल के रहते हैं 70%, 20% के आसपास इलेक्ट्रिकल के, और बाकी जो बच गए 5-10% आपका मैकेनिकल के। तो कहानी आपको समझ में आ रहा है, सिविल जो है ब्रांच प्राइवेट में इतना अच्छा स्कोप मैं देखा नहीं, ना अभी देखता हूँ। इंडिया की बात कर, जो बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हो आप, अच्छा है, देखने में अच्छा है, बट एज ए एवरेज पर्सन जब जाते हो जॉब करने के लिए, साइड में काम करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं, तो उसमें वो स्कोप ग्रोथ इतना हमें दिखता नहीं, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, है, बट ग्रोथ वाला प्रॉब्लम मेरे को दिखा, बिकॉज मेरे पर्सनल काउंसलिंग में बहुत लोग आते हैं, ठीक है, उस उनसे मेरे को डेटा मिला है जो जॉब रियली में कर रहे हैं, खाली इंडियन या आउटसाइड इंडिया जॉब कर रहे हैं, वो भी बोलते हैं मेरे को बात। कहानी आपको समझ में आ गया। तो पहला चॉइस मेरा ये होता, दूसरा चॉइस मैं क्या चूज़ करता, बिकॉज मैं बीटेक कर रहा हूँ, दूसरा चॉइस मेरा होता मैकेनिकल, अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब की ओर रुझान होता। सिविल तभी मैं चूज़ करता जब मेरे अंदर बहुत अच्छा एबिलिटी होता एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की। अगर एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए एबिलिटी आपके पास है, तो भैया सिविल में काफ़ी अच्छे जॉब्स ले सकते हो, पीएसयूज में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में। तीन ही ब्रांच
सरकारी नौकरी के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। बट किसी को अगर मान लो इसरो में साइंटिस्ट बनना है तो यहाँ पर बताया नहीं, इंडिया में जॉब करना है और सुपर रेपुटेशन चाहिए तो साइंटिस्ट का पोस्ट होता है। तीन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एक क्या है आपका इसरो है, और एक क्या है आपका DRDO है, और एक क्या है आपका BARC है। इनमें जॉब लग गया हुए हुए क्या बताऊँ आपको, क्या रेपुटेशन, क्या इज्जत मिलता है भाई, काम करने के लिए क्या मज़ा आता है आपको। पैसे बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है PSU जितना, बट पैसा इतना मिलता है कि आप मौज मार पाओ। मतलब क्या साइंटिस्ट का सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास होता है इनमें, तो विच इज़ रियली गुड, नॉट बैड। बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, तो दैट इज़ रियली गुड, बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, मज़ा आता है। तो अगर साइंटिस्ट जाना है, बनना है साइंटिस्ट, फिल्म जाना है कि मेरे को एक एक्सप्लोर करना है कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ इसरो जैसा ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसरो का हर साल एग्जाम होता है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी रहता है ECE का। एक और ब्रांच है ट्रिपल ई ब्रांच, ठीक ब्रांच है। अगर किसी को SSC जैसे एलिजिबल नहीं है, बहुत सारे PSUs में जहां पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल रहता है उधर ट्रिपल ई एलिजिबल रहता है। कुछ जगह, बहुत जगह, मैंने कुछ जगह नहीं 90% जगह मैंने देखा है, ठीक है। बट मैं फिर भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, SSC JEE एग्ज़ाम दे नहीं पा रहा है, State JEE दे नहीं पा रहा है, तो उसको फिर प्रॉब्लम आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई बीच का नहीं, एक ही पकड़ो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रिपल ई पढ़ सकते हो। बट किसी को लगता है नहीं मैं थोड़ा ट्राई करूँगा, उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भाग जाऊँगा तो भैया या चला जाऊँगा, तो आप उस ब्रांच को प्रेफर कर सकते हैं। तो सरकारी नौकरी करना है किसी को, ये ब्रांचेस है बेस्ट ब्रांचेस जो मैंने आपको बोला, ठीक है। नंबर ऑफ चॉइस बता दिया, सेकंड बता दिया, क्यों बताया, सिविल में क्या प्रॉब्लम है ये बता दिया मैंने आपको, मैकेनिकल ECE बताया, ठीक है। ये ब्रांचेस, आप बोलेंगे सर CSE में गवर्नमेंट जॉब नहीं है क्या, बहुत कम है यार, बहुत कम है। प्राइवेट जॉब के लिए CSE ब्रांच है, गवर्नमेंट जॉब बोलोगे बहुत कम है, और इतने कम जॉब्स में इतने सारे बच्चे हैं क्या बताऊँ आपको। आप जाओगे कॉलेज में अगर 1000 बच्चा है ना, CSE वाला होगा 800, मैकेनिकल के बाकी सब मिला के होंगे 200। ये कंडीशन है बहुत सारे कॉलेजेस का, आप पता करना अपने सीनियर से बता देंगे। बहुत सारे, मेरे पास तो डेटा है लगभग बहुत सारे कॉलेजेस का, एक कॉलेज का मेरे पास डेटा नहीं है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। CSE बच्चे हैं, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ गया, तो ये था पूरा आपका हिसाब किताब बेस्ट BTech ब्रांचेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। तो जैसे कि बताया मैंने, अगर आप कॉलेज के बारे में ढूंढ रहे हैं, सो इसे कोर्सेस BTech करना है आपको, तो नीचे लिंक है कॉलेज विद्या का, उस लिंक पर क्लिक करिए और फर्दर प्रोसेस को फॉलो करिए सो दैट यू कैन फाइंड आउट योर ओन डिजायर कॉलेज। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।